में जहां जमा हुए हैं। अब बैनर से ही देख सकते हैं, जस्टिस फॉर नजीब। नजीब के फोर्सफुल डिसअपीयरेंस के 5 साल हुए हैं और कोई ही जो है जस्टिस की तरफ हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए एक अहम दिन है आज के, हम उस जो डिसअपीयरेंस हुआ है, जो जो इनजस्टिस हुआ है, उसके खिलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाएँ, उस पर डेलिब्रेट करें और एज ए सोसाइटी हम लोग अकाउंटेबल जो है हैं, उसके लिए हम लोग अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पे जमा हुए। तो इस पब्लिक मीटिंग के जो है हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नदीम खान साहब से गुजारिश करता हूँ आके अपने जो है स्टेज पर अपनी जगह संभालें। उसके साथ साथ स्नेहशीष दास जनरल सेक्रेटरी हैं बाप साहब, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आइए। और उसके साथ साथ जीनिया जो अभी जामिया मिल्लिया में जो है अपना PhD कर रहे हैं और JNU में मास्टर्स किए हैं, उनको भी मैं दावत देता हूँ आके अपना संभालें। उसके अलावा फरहान याहिया साहब अगर हैं तो वो भी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए। अभी जो है हमारे सामने नदीम खान साहब जो कि फाउंडर है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट और APCR के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वह यहाँ पर आए और पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है नजीब मूवमेंट का वो हमारे सामने रखे। नदीम भाई, नजीब मूवमेंट ने बहुत ही एक कलीदी रोल प्ले किए हैं लीगल इंटरवेंशन से लेके पब्लिक कॉन्शियसनेस में ये इशू को उठाने में। तो मैं चाहता हूँ कि नदीम भाई आए और इस पूरे इशू का जो है पूरा हमारे सामने एक कैलोडिस्कोपिक व्यू हमारे सामने रखे। नदीम अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वालिही वअसहाबिही अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम साथियों, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तकरीबन पूरे 5 साल हो गए इस मूवमेंट को और इसमें निहाल ने जैसा कहा कि बहुत सारे डायनामिक्स हैं इस पूरे स्ट्रगल के। इसमें नजीब का फोर्सफुल डिसअपीयरेंस एक प्राइमरी सब्जेक्ट है कि उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे कॉर्नर्स भी हैं जो हमको पूरे सोसाइटी के बारे में, सोशल सिस्टम के बारे में या पॉलिटिकल सिस्टम और लीगल सिस्टम का जो रिस्पांस हमारे बारे में वो जाहिर करते हैं इस पूरे मूवमेंट में। हम सबको मालूम है कि आज से 5 साल पहले माही मांडवी JNU के हॉस्टल में नजीब अहमद जो बदायूं के रहने वाले थे, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था उन्होंने और उनको माही मांडवी हॉस्टल आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उससे पहले वो डॉर्मेट्री JNU में रह रहे थे और वहाँ पर आए हुए कुछ वक्त हुआ था। फिर उनके साथ में रात में पिटाई करी गई और उसमें बहुत ढेर सारी कहानियाँ बताई गई, क्योंकि वो कहानियाँ अलग अलग एंगल से इसलिए आई क्योंकि खुद नजीब अहमद उस बात को बताने के लिए वहाँ मौजूद नहीं रहे। दोबारा वो सुबह उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो बहरहाल आज 5 साल के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नजीब हमारे बीच में नहीं है, लीगल पोजीशन भी कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए या यूथ के लिए पूरे मुल्क में, मतलब मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा होगा कि जहां पर नजीब के जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट नहीं हुए हों, प्रोग्राम नहीं हुए हों, लीगल इंटरवेंशंस किस किस तरह के नहीं हों। लेकिन उससे इस पूरे नजीब के मूवमेंट में आज जब हम ये बात करते हैं, मैंने पिछले 10-12 दिन पहले हमने कहा था उनकी नजीब की मदर को कि आप दिल्ली आइए, हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, कोविड भी चल रहा है, हमारे कई साथी जेल में भी हैं जो लगातार हमारे मूवमेंट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वो ख़ुद भी नहीं तैयार हुई और हमको भी बार बार बुलाने में उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत भी सही नहीं है और जाहिर सी बात उन्होंने कहा इसका फ़ायदा क्या होगा। तो अगर हम ये पूरे सिस्टम को देखते हैं कि एक आदमी के जस्टिस की हम बात कर रहे हैं तो आदमी का मिलना नहीं मिलना तो सेकेंडरी है, लेकिन उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तक भी ये सिस्टम हमको नहीं बता पाया। तो इससे मालूम चलता है कि अगर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, माइनॉरिटी लफ्ज़ तो CA ने ख़त्म कर दिया है, तो सीधे सीधे मुसलमान ही कहना चाहिए। CA आने के बाद माइनॉरिटी का जो अल्फाज है वो डिक्शनरी से अब ख़त्म हो चुका है और सीधे मुसलमान है, क्योंकि किसी मुसलमान को अगर इंसाफ लेना हो तो वो आप कितना भी हंगामा कर लें, कितना भी आप स्ट्रगल कर लें, कितनी भी जद्दोजहद कर लें, आपको इंसाफ नहीं मिलना। उसके लिए अगर आपको कोई केस स्टडी करनी है तो नजीब का मूवमेंट आपके सामने है। हज़ारों लोगों के मजमे इकट्ठा हुए, लाखों लोगों के प्रोग्राम हुए, सीरीज़ ऑफ द प्रोग्राम्स हुए, कोई ऐसा स्टेट नहीं था कश्मीर से लेकर केरल तक में जहाँ प्रोग्राम नहीं हुए, उसके बाद भी जस्टिस हमको डिलीवर नहीं हुआ। नजीब का आना
एक दूसरी बात थी, लेकिन कोई आदमी तो उसके लिए अकाउंटेबल होगा, कोई आदमी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए भी कोई बात नहीं करी गई। और वो तमाम लोग जिनके नाम बाद में FIR में ऐड कराए गए थे, वो आज भी JNU में हैं, JNU के बाहर हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन नजीब अहमद कहीं नहीं। अब अगर हम चीज़ों को देखें कि वाकई जिस स्ट्रगल का हम दावा कर रहे हैं या जिस स्ट्रगल का हम क्लेम कर रहे हैं, वो स्ट्रगल सही अंदाज से हुआ या नहीं हुआ, तो उसका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। 14 तारीख को लोगों ने बताया कि इलेक्शन का वहाँ पे मैस इलेक्शन का कैंपेन हो रहा था। उस इलेक्शन में जो है कुछ लोग नजीब के कमरे में पहुँचे, जो पहुँचने वाले लोग थे वो ABVT के थे। फिर अचानक लोगों ने बताया कि वहाँ से शोर की आवाज़ हमें सुनाई पड़ी। शोर की आवाज़ पे जाने वालों में शाहिद रज़ा ख़ान, जो अभी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए हैं, वो प्राइमरी विटनेस थे इस केस के, शाहिद वहाँ पर पहुँचे। एक लड़का कासिम है वो वहाँ पर पहुँचा, और दो लड़के और, वो चारों लड़कों का प्राइम फेशिया विटनेस है कि वहाँ पर झगड़ा चल रहा था और हम लोगों ने उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी। फिर बात आगे बढ़ गई, जब वहाँ झगड़ा कंटिन्यू हुआ तो उसके बाद ऐश्वर्या सिंह करके एक लड़का था, उसने ज़्यादा पिटाई करने की कोशिश करी। भीड़ ने, मॉब ने पूरा लिंच करने की कोशिश करी नजीब को, और उसमें बचाने में नजीब को कई लोगों के भी चोटें आईं। उसके बाद रात में ये हुआ कि इसको मैटर को सॉल्व आउट किया जाए, लिखा पढ़ी हो क्या नहीं हो, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर नजीब अहमद ने रात के ही वक्त अपनी वालदा को फ़ोन किया कि मैं बहुत घबराया हूँ और आप दिल्ली आ जाएं। उनकी माँ तकरीबन 11:30 बजे जब आनंद विहार बस स्टैंड पहुँची तो वहाँ से उन्होंने नजीब को फ़ोन किया और कहा कि हम आनंद विहार आ गए हैं और बस थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। उसके बाद नजीब का किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। नजीब का जो रूम पार्टनर कासिम था, कासिम दरगाही नाम है उसका, तो कासिम बीच में अपनी क्लासेस के लिए गया, साथ में ब्रेकफास्ट के लिए शायद कहीं मेस पे गया, और उसी बीच में क्लास के लिए जब वो था तो वो रूम पे नजीब अहमद को छोड़कर गया। और जब उनकी माँ वहाँ पहुँची तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, तो नजीब अहमद वहाँ पर नहीं थे। ये बात 15 अक्टूबर। अब जब नजीब वहाँ पर नहीं पहुँचे तो उनकी स्लीपर्स जो हैं वो कॉरिडोर में पड़ी गई, जो उनके भाई ने आते हुए ही पहचानी कि ये तो भाई की चप्पलें हैं। छोटे भाई मुजीब ने, जो उनका छोटा भाई था, उसने कहा ये चप्पलें तो भाई की हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर नजीब नहीं थे। दिन भर ढूँढा गया उनको, जब दिन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो वो लोग वसंत कुंज पुलिस स्टेशन पर पहुँचे। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में उनकी वालदा नाम के साथ लोगों की FIR कराना चाहती थी, जो नाम मैंने आपके सामने लिए, तकरीबन 6 नाम थे, इसमें से 4 नाम मेन थे। उन चारों के साथ के नाम से वो FIR लिखाना चाहती थी। इसी बीच में पुलिस वाले के पास किसी का फ़ोन आता है और नजीब की वालदा का जो स्टेटमेंट है, जो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सुना भी होगा, देखा भी होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्री जो दो, एक हम लोगों ने बनाई थी, एक अम्मी के नाम से बनी थी, एक वेयर इज़ नजीब के नाम से, दोनों में वो इंटरव्यू क्लियर है कि उन्होंने ये बात साफ साफ एक्सेप्ट करी कि सामने से किसी का फ़ोन आया और वो आदमी फ़ोन पर बातचीत से अंदाज़ा लग रहा था कि जो स्टेशन हाउस इंचार्ज है वसंत कुंज पुलिस स्टेशन का, उसको वो डायरेक्शन दे रहा है। और उन्होंने वो उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम ऐसी कोई FIR नहीं करेंगे और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। उसने उनकी मदर को फोर्स किया कि वो FIR में उन लोगों के नाम नहीं लिखें, बल्कि उसने ये भी कहा कि आपको नाम लिखवाने से मतलब है या अपने बच्चे की सलामती और वापसी से मतलब है, और आप बेफिक्र रहिए, हम थोड़ी देर में आपके बच्चे को वापस ला कर देते हैं। उसके बाद ये FIR जो उन्होंने लिखाई वो मुजीब की हैंडराइटिंग से लिखी गई और उसमें उनकी वालदा के साइन हुए, लेकिन ये पुलिस के प्रेशर में FIR लिखी गई थी जिसमें एक्यूज़ के नाम नहीं डाले गए। उसके बाद कोई उसमें उन चारों लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुई जिनके बारे में बात करी गई थी, कुछ पूछताछ नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। 16 तारीख की शाम को फिर वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, तो 16 को उसको क्रश करने की कोशिश करी गई और पुलिस वालों ने बाकायदा
नजीब की मदर को भी धमकी दी, बातचीत करी, धमकी दी। 17 अक्टूबर को जो एयरपोर्ट वाला रोड है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, जिसके नज़दीक नतीजे में यह हुआ कि तकरीबन 150 लोगों को डिटेन किया गया। और जिन लोगों को डिटेन किया गया था, और ख़ासकर लड़कियों को, मुझे कुछ लड़कियों के नाम भी याद हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से हैरेस किया गया, पीटा गया, पेट में लाठियां मारी गई, ताकि किसी तरीके से ये मूवमेंट कंट्रोल किया जा सके। फिर 20 तारीख को यह डेवलपमेंट हुआ कि उसमें एक एप्लीकेशन उन्होंने एक्स्ट्रा ली कि उसमें आप नाम लिख के दीजिए, हम उसको सप्लीमेंट्री में ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो केस था, वो केस में उन्होंने कहा कि पहले ये केस दिल्ली पुलिस के पास गया, फिर दिल्ली पुलिस ने एक SIT बनाई, मनीषी चंद्रा जो IPS ऑफिसर है, अभी DCP सेंट्रल दिल्ली हैं, वो उस सोसाइटी को हेड कर रहे थे। और उस सोसाइटी ने एक नई थ्योरी दी, और वो थ्योरी ये थी कि नजीब अहमद एक ऑटो के ज़रिए जामिया के इलाके में आया और वहाँ से वो गायब हो गए। फिर उस थ्योरी के साथ साथ उन्होंने नजीब के जो छोटे भाई हैं मुजीब को रात में फ़ोन किया, और ये तारीख 20 से 22 के बीच की बातें हैं, 20 से 22 अक्टूबर के बीच की, उन्होंने कहा कि दरभंगा में हमने नजीब अहमद को देखा है और अभी हमारे साथ चलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ओखला में बहुत से लोग बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं, हमने वहाँ पर कुछ लोगों को बात करी, भेजा, तो वहाँ के DSP ने कहा कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और हमने दिल्ली पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं है, ना हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने देखा। बहरहाल वो टाइम पास करने के लिए दरभंगा ले गए। फिर 1-2-3 दिन के बाद फिर जो है वो UP में बहराइच के इलाके में ले गए, नानपारा के इलाके में, कि हमने वहाँ पर नजीब अहमद को देखा है। इसी बीच यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, हम लोग भी काफ़ी तरीके से इन्वॉल्व हो गए थे। तो पहली बार नजीब के ही केस में हम लोगों ने 25 तारीख को एक जॉइंट कॉल दिया था, जिसमें ITO को पूरा हमने 3 घंटे ब्लॉक किया। ITO जो सबसे बड़ा चौराहा है दिल्ली का, उस स्क्वायर को पूरा ब्लॉक किया गया। फिर उसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो नजीब के इशू में 25 तारीख को 10 दिन के बाद हुई थी। 10 दिनों तक उस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं था, SIT गोल गोल घुमा रही थी उसको। उसके बाद फिर पहले हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, उसमें एक दूसरा लॉयर लिया था। बाद में ये हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से भी मुलाकातें हुई, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने कहा कि हम लोग को HRLN के ज़रिए जाना चाहिए, तो HRLN के ज़रिए हेवियस कॉर्पस फाइल हुई। हेवियस कॉर्पस फाइल होने के बाद, हेवियस कॉर्पस वो सेक्शन है जिसमें किसी भी आदमी की गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट फाइल करी जाती है, और उस आदमी को की सिक्योरिटी और उसको वापस लाने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, तो पुलिस उसके लिए अकाउंटेबल होती है कि उस आदमी को दोबारा प्रोड्यूस करे। तो वो एक मेन FIR वो केस जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट में हेवियस कॉर्पस के नाम से चला, जिसको कॉलिन गोंसाल्विस ने फाइल किया। इस बीच में ये केस जो है वो SIT से CBI के पास गया, नहीं पहले SIT के ही पास था। SIT ने क्या किया, एक दिन अचानक जो है नजीब अहमद के बदायूं के घर में रेड करी नजीब अहमद के घर में, और उनके ग्रैंडफादर नाना के घर पे रेड करी, और पूरी फैमिली को हैरेस किया, ज़बरदस्त तरीके से फैमिली को हैरेसमेंट किया कि तुमने अपने घर में नजीब को छुपा रखा है, और भाजपा की सरकार को आप बदनाम करने के लिए ये पूरा हंगामा मचाया हुआ है। वो पूरी फैमिली को उन्होंने हैरेसमेंट करने की बात करी, ये क्लेम किया, वो क्लेम किया, वो तमाम हंगामे हुए। उसके नतीजे में फिर हम लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट किए, कुछ हंगामे मचाए, तो पुलिस का एक स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमने तो रूटीन उनसे कोऑपरेट करने की बात करने गए थे। अब जाहिर सी बात है कि केस दिल्ली में चल रहा है, नजीब की मदर दिल्ली में मौजूद थी, तो नाना के घर बदायूं जाकर रूटीन कोऑपरेशन का डिमांड करना कोई समझ से बाहर बात नहीं थी, लेकिन वो प्रेशर था कि किसी तरीके से फैमिली इस केस